देश में खुशहाली की कामना लिए दुर्ग महापौर एमआईएससी प्रभारी सहित पार्षदों ने मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए दुर्ग से रवाना हुए। इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा ने देवी दर्शन के लिए जा रहे जनप्रतिनिधियों को अपनी शुभकामनाएं दी। दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा के मार्गदर्शन में महापौर धीरज बाकलीवाल के नेतृत्व में दुर्ग निगम के एमआईएससी प्रभारी अब्दुल गनी सहित विभिन्न वार्डों के पार्षदों द्वारा रविवार की शाम दुर्ग से रेलवे स्टेशन से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन से मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रवाना हुए। इसमें करीब 75 की संख्या में पार्षद व उनका परिवार शामिल रहा। इस अवसर पर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने बताया कि हम सबसे पहले अमृतसर पहुंच गोल्डन टेंपल के दर्शन कर वैष्णो देवी पहुंचेंगे। इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा अपने परिवार के साथ स्टेशन पहुंचे दर्शन के लिए जा रहे जनप्रतिनिधियों को अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्हें शहर और देश की खुशहाली की कामना की। ये जो यात्रा पे जा रहे हैं ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। सौभाग्यशाली लोग ही वहाँ पर पहुँचते हैं, जिनको माता का बुलावा आता है वही वहाँ पर पहुँचते हैं। और बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है शहर की खुशहाली के लिए। शहर में सद्भावना, भाईचारा और एकता बनी रहे, इस भावना को मजबूती देने के लिए हमारे दुर्ग नगर निगम के बहुत ही सक्रिय पार्षद लोग पार्षदगण वहाँ पर पहुँच रहे हैं। साथ में महापौर जी भी है, सभापति जी भी है, वरिष्ठ नेता मदन जैन जी भी हैं, लगभग सभी परिवार सहित वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि जो दुर्ग में सद्भावना बनी इतने अनेक वर्षों से, जो हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, सभ्यता है, उस सभ्यता और एकता पर हमारे ये पार्षदगण जो जनप्रतिनिधि है, जन भावनाओं से जुड़े हुए हैं, जनता से चुन के आते हैं, ये सारे दुर्गवासियों की तरफ से माता के चरणों में हमारा सबका नमन करेंगे और हम सबकी खुशहाली की कामना करेंगे। ये हम सब के लिए बहुत ही परम सौभाग्य का विषय है। माननीय विधायक अरुण वोरा जी के मार्गदर्शन में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष आर्यन वर्मा जी के साथ, महापौर, सभापति, हमारे एमआईसी के साथी, पार्षद साथी एवं उनका परिवार, एल्डरमैन साथी, लगभग 75 लोगों का दल आज हम लोग सबसे पहले यहाँ से जाएंगे अमृतसर। वहाँ हम लोग गोल्डन टेंपल का दर्शन करेंगे, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे कटरा, माता वैष्णो देवी का दर्शन करेंगे। हम सब इसी आशा और विश्वास के साथ जा रहे हैं कि माता वैष्णो देवी का कृपा हम सब के ऊपर हमेशा बनी रहे और हमेशा हमारे दुर्ग शहर में शांति और खुशहाली का वातावरण बना रहे। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।